Hello friends, today we have with us two very talented actors, Shilpa Shirodkar and Mohit Dagga, sharing their journey and the bond they share off screen on Zee TV's popular show Ek Mutthi Aasman and much more. Let's hear it from them. हम लोग ऐसे ही काम करते हैं और इसी तरह से काम कब हो जाता, देखिए ना, एक साल हो गया, पता ही नहीं चला. इसी तरह से क्योंकि क्या है कि मतलब हम मुझे ऐसा बहुत अजीब लगता है. मैं मोहित को ऐसे ही वही पूछ रही थी एक्चुअली. मैंने कहा कि हम लोग जैसे मतलब हम लोग लाइक फॉर इंस्टेंस फिल्म्स करते तो हम कभी मेकअप रूम में नहीं गए इन बिटवीन शॉट्स, या कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग कोस्टर्स, हम लोग ऐसे ही साथ में बैठ के टॉकिंग चैटिंग एवरीथिंग. So maybe it doesn't happen on television, but I've grown up like this. So for me, it is, I'm like that only. So हम लोग ऐसे ही मस्ती करते करते काम करते, क्योंकि क्या है कि when you're doing a drama, soap or whatever, you can't live that character because you'll be depressed, you'll go into depression. So I mean, and he understands that, so it's okay because he also does a lot of masti. मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन काम किया है मैंने अब तक का, और सबसे बेहतरीन अदाकारा के साथ काम किया है. ये बहुत ही एक संस्कृत में एक दोहा है, नारी के लिए समाकारा खलु सज्जन, इस तरह का कुछ दोहा है. उसका मतलब होता है जो इंसान, ये इंसान नारियल के जैसी है, बाहर से थोड़ी कठोर है लेकिन अंदर से कोमल है. फ्रेजेस है, मुझे अभी तक एक साल के बाद भी समझ में नहीं आते. तो ये जो हिंदी में शुद्ध हिंदी में बोलता है, मुझे मतलब क्या है, क्योंकि मतलब मुझे समझ में बहुत बोल आप रही हो माइक में रखो. हाँ, फनी. नो बट द जर्नी हैज बीन वंडरफुल. आई थिंक एक मुट्ठी आसमान हैज बीन अ वंडरफुल जर्नी फॉर मी टू. इट्स माय फर्स्ट स्टिंट ऑन टेलीविजन. आई हैव वर्कड विद अ लॉट ऑफ एक्टर्स ऑन द शो एंड आई हैव माय फ्यू फेवरेट्स, आउट ऑफ व्हिच मोहित इज वन ऑफ देम. I've learned a lot because ये लोगों को, these people are from television, इसीलिए मैं अभी भी उसको पूछ रही थी. ये कोई पढ़ाई नहीं है टीवी की और फिल्म की, ये बहुत बड़ा मिथ है कि एक पढ़ाई है. कि ये वहाँ कोई रेगुलेटर तो है नहीं हमारे अंदर कि ऐसे ये बटन दबाया तो फिल्म की एक्टिंग. नहीं नहीं नहीं, नॉट लाइक दैट. इट्स लाइक यू अंडरस्टैंड द मीडिया, द मीडियम बेटर. लाइक टुमारो इफ आई एम वर्किंग इन अ फिल्म, I will be able, I'll be more confident because I've done films before. But when I'm doing television, which is on a smaller canvas, I never understood it better. They understood it better. So it was easier for me to blend in because they were there. तो ये आ गई है टेलीविजन का जो कैनवास है उसको समझने, अब हम जाएंगे फिल्म का कैनवास समझने. करेक्ट. इनसे इंसानियत सीखी है, इनसे किस तरह से ज़मीन पे पैर रखने चाहिए और होने चाहिए वो सीखा इनसे मैंने. इसके अलावा बहुत कुछ चीज़ें सीखी. इनके साथ मैंने ना पार्ले जी का बिस्किट खाना सीखा है, क्योंकि मैं चाय के साथ आमतौर पे खाता नहीं था, लेकिन ये खाती हैं तो मेरी भी आदत हो गई. और भी कुछ इनके साथ इन्होंने अभी तक नहीं सीखा ब्लू को ब्लू बोलना. नहीं, ब्लू बोलते हैं, ब्लू. अच्छा, सी ब्लू. ओके, दैट्स एक साल के बाद. व्हिच कलर इज दिस? पर्पल. पर्पल. I think Mohit is one of the most genuine actors I've met. He deserves much more than what he has. He's my best friend. He is very genuine, very honest to his job and to his friendship. And I just want him to be very, very successful in life. Thank you so much. Yeah. It means a lot. Thank you. जी, मैं बोलना चाहता हूँ. अच्छा. अपने दर्शकों को, जिन जिन्होंने भी, क्योंकि इंडिया फोरम्स के माध्यम से हमको पता चला था व्यूअर्स की पसंद नापसंद, हम लोग बुरे इंसान नहीं हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं. सिर्फ हम एक अपना काम कर रहे हैं, जिस तरह से कल्पना, राघव, उसी तरह से विट्ठल और कमला भी एक कैरेक्टर है और हम वही किरदार प्ले कर रहे हैं. तो आप कैरेक्टर को देख कर उनसे मोहब्बत नफ़रत कीजिए, ना कि आप उन पे पर्सनल होइए. ये मेरी आपके, आपसे दरख्वास्त भी है, गुजारिश भी है, और इनका भी कुछ है. नहीं, वही मतलब हम लोगों को जज मत करो, क्योंकि हम लोग क्या है कि हम लोग काम कर रहे हैं और रोज़ हम लोग अलग अलग लोगों से मिलते हैं, और हमारा काम ऐसा है कि हम लोग ज़्यादा टाइम सेट पे बिताते हैं रादर देन होम. तो एक लगाव हो जाता है नए लोगों के साथ, जो पुराने लोग हैं उनके साथ. और अगर हम लोग कोई फ़ोटोज़ ट्वीट करें या कुछ मैसेज भेजे, इसका ये मतलब नहीं कि हम पुराने लोगों को भूल गए. सो डोंट जज अस ऑन व्हाट यू सी. यू लाइक द शो, यू डोंट लाइक द शो, आई टोटली अग्री. इट्स अप बिकॉज ऑफ यू ऑल
बिकॉज ऑफ विच एक मुट्ठी आसमान एक साल तक चला है. तो डोंट लीव अस लाइक दैट, डोंट बी डिसअपॉइंटेड विद अस, स्टे विद अस, अप्रिशिएट द वर्क वी डू एंड लेट दिस बी अनदर वन ईयर. सो थैंक यू वेरी मच. क्योंकि हम दोनों के लिए नया है, इनके लिए भी टीवी नया है, भले इन्होंने जो भी काम किया हो, और मेरे लिए भी नया है. तो आप लोगों की जो ब्लेसिंग्स हैं, आशीर्वाद है, वो हमेशा चाहिए. Exactly. लेकिन बुरा मत मानिए, हंसते रहिए. Hope you have enjoyed the segment. Stay glued as there's much more coming up for you. Neha Sawant with cameraman Mangesh, India Forums, Mumbai. Hey, this is Divyanka Tripathi. Log into India Forums and subscribe WhatsApp TV.